आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप पुराने रेगमाल से दरवाजों का पेंट कैसे हटा सकते हैं। देखिए ये वो रेगमाल है जो हम विंडो के खिड़कियों पे लगाते हैं और जो दरवाजों पे लगाते हैं, तो ये थोड़े खराब हो जाते हैं, हम इन्हें फेंक देते हैं। लेकिन ये हमारे बहुत काम के हैं, इन्हें हम दोबारा भी काम में ले सकते हैं। जैसे कि हमें किसी दरवाजे का पेंट उतारना हो, जैसे कि देखिए ये मैं आपको दिखाऊंगा उतार कर, और देखिए हमें इस पर नए रेगमाल की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हमारे पास नए रेगमाल भी हैं और ये देखिए पुराने रेगमाल हैं, ये नए हैं ये पुराने हैं। तो मैं आपको पुराने रेगमाल से पेंट छुटाकर दिखाता हूँ। ये वाले नए रेगमाल जो हैं ये तो हम अलग हटा के रख देते हैं। देखिए ये पुराना सैंड पेपर है तो हम इसी से पेंट छुटाएंगे। अब आपको जो ये ग्लेंडर चलाना है ये आपको पूरा सीधा नहीं रखना, आपको ये थोड़ा सा उठा के चलाना है इस तरह से। अगर ये आप इसे ऐसे चलाएंगे तो इसके अंदर जो इसकी डस्ट छुटेगी वो इसके अंदर ही रन करती रहेगी और घूमती रहेगी, तो ये ज्यादा काम नहीं करेगा। अगर ऐसे चलाएंगे तो ये ज्यादा वर्क करेगा, पेंट भी हमारा ज्यादा छुटेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं पिता माँ कारपेंटर। अब यहाँ पर देखिए हमने ये चलाया है, यहाँ पर पेंट बिल्कुल कितनी सफाई से क्लीन हो गया, कितनी सफाई से रिमूव हो गया है। अब ये एक पुराना सैंड पेपर था तो मैं अब एक दूसरा सैंड पेपर भी दिखाता हूँ लगा कर। बस आपको ध्यान ये रखना है, आपको इस तरह से चलाना है। तो इस तरह से आप पुराने रेगमाल फेंकने के बजाय, आपको अगर कहीं दरवाजे पर पेंट छुटाना है, दरवाजे पर या कहीं भी प्लेन जगह पर पेंट छुटाना चाहते हो, तो आप पुराने रेगमाल यानी कि सैंड पेपर यूज में ले सकते हो। और ये सारे पुराने सैंड पेपर हैं, पुराने रेगमाल हैं यानी कि। अब इसमें से मैं कोई सा भी रेगमाल उठाकर आपको पेंट छुटा कर दिखा रहा हूँ। जैसे कि मैंने अभी दूसरा सैंड पेपर लगाया था, अब मैं एक बार और तीसरी बार लगा रहा हूँ। ये तो देखो कुछ नया सा लग रहा है लेकिन ये काफी पुराना है, इसके किनारे भी खराब हो चुके हैं। देखिए जैसे कि अभी मैंने आपको इस वाले पीस का पेंट छुटाकर दिखाया, और देखिए मैं इस वाले पीस का भी पेंट आपको छुटाकर दिखाता हूँ। इस पर पेंट की दो तीन लेयर चढ़ी हुई हैं। देखिए जैसे कि आप देख रहे हो ऊपर थोड़ा येलो कलर है, क्रीम येलो, और यहाँ पर ब्राउन है ये। तो इसका भी पेंट आप इसी तरह छुटा सकते हो। अभी देखिए इस पर दो लेयर थे, अब एक लेयर तो छुट गई है, बाकी के नीचे की ब्राउन लेयर आ गई है। तो इस तरह से आप किसी भी पुराने दरवाजे का कहीं भी पेंट छुटा सकते हो बहुत आसानी से। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे नीचे कमेंट करें, और आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इस तरह के वीडियो आपके लिए लाता रहता हूं। और बेल आइकन पर जाकर ऑल पर प्रेस करें जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।